सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, भाई आपका आ गया एक और वीडियो लेके। और गाइस, अभी देखो मैं और गोरा बैठे हैं गाड़ी में और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, साथ में जाएंगे मंदिर। तो चलो आपको मंदिर का मतलब नज़ारा दिखाते हैं अपने इधर, क्योंकि बहुत ज्यादा रौनकें होती हैं और आपको दर्शन भी करवाते हैं और साथ में आपको आज मार्केट घुमाते हैं, है ना। तो गोरा को देखो कितनी गर्मी लग रही है, पसीना आ गया, मुझे भी आ गया। गाड़ी जल्दी से करते हैं स्टार्ट, करते हैं एसी ऑन और आपको मिलते हैं मार्केट। गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, यहाँ पे दर्शन कर लो शनि देव के। और हमारे यहाँ भाई बंधु मिल गए हैं। जय शनि देव। पहले दिन मत देखो, जय श्री राम। आप भी बोलते जल्दी, जय श्री राम। तो गाइस, हम इनसे बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं, बस रास्ते में आते जाते ऐसे हेलो हाय होता है। और हम पहुंच चुके हैं शनि धाम और अभी जाएंगे हम मंदिर, आपको भी दर्शन करवाएंगे एंड देन उसके बाद चलेंगे आगे मार्केट में। चले गोरा, चलो गाइस, अभी चलो आपको भी दर्शन करवाते हैं। अभी आ जाओ, आ जाओ, यहो। तो गाइस, अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और अभी आपको भी करवा देते हैं, यहो। आप भी हमारे बालाजी के दर्शन कर लो, देखो उधर, यहो। दीपक भी ले लो और ये देखो, जब इनकी मूर्त देखते हैं ना दिल खुश हो जाता है। देखो सारे बोलो जय श्री राम। और गाइस इधर देखो, जय शनि देव। और इसी के साथ हमारे भोले शंकर तो इधर विराजमान है, इधर जहाँ पूजा चल रही है देखो। और अभी गाइस इधर देखो, चलो गोरा चले अभी खुश। चलो गाइस अभी चलते हैं, आप भी खुश, हम भी खुश। तो अभी हमारा टाइम हो चुका है मार्केट जाने का, लेकिन दिल खुश हो गया। जो हम 10-15 मिनट, जो 20 मिनट हम इधर निकालते हैं ना, वही सबसे अच्छी चीज़ है। तो चलो अभी चलते हैं हम। और यहाँ देखो शनिदेव के बाहर निकलते ही, जय शनिदेव। तो गाइज, अभी जैसे मंदिर से बाहर निकले और हमें मिल गई है मन्नत और दिल खुश हो गया। और ये देखो, ये बोल रहे हमारे फोटो खींचो, ले हमारे थोड़े खींचो ना, अस कैमरा मैन तो हाँ, जितना देखो कैमरा आन होता साड़ा और ठीक है। चलो गाइज अभी जा रहे हैं, गाइज अभी गाड़ी में बैठेंगे और अभी हो गया टाइम मार्केट जाने का। तो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं कहाँ, पीछे वाली मार्केट में, और पीछे वाले बाजार में, मतलब पीछे वाली मार्केट में। और अभी हम जा रहे हैं आंटी के पास, गुरा ने एक सूट देना है और एक सूट लाना है लवली भैया के घर के पास। हाँ बिल्कुल, ये रास्ता आता है लवली उनके घर का, जो मेरा फ्रेंड है। और इस साइड जाएंगे हम आंटी की शॉप पे। गाइस अभी देखो हम आंटी उनके घर पहुंच गए हैं। ये आंटी, आंटी जी हेलो कर दो पहले। जब से हम इधर आए आंटी हंसती रहती है, हम इनको देख के हंसते रहते हैं। और ये देखो सोना, ये देखो, जब मतलब आंटी बोल रही थी कि जब भी भैया वगैरह ये आएंगे हमारे लिए तो हमें बताना, आंटी ने भी इसकी आवाज लगाई है। और देखो इसका मुंह खुला का खुला है, मैं यहाँ दर्दे हो जाएंगी, हमें तो होती है, इनको भी हो जाएगी। देखो हंसे जा रही है, अभी खुश है। वीडियो देखते हो ना आंटी, बता रही है आंटी जी, आपने वीडियो देखी ना आज। अब यकीन हो गया ना, बच्चे देखते हैं यार, बच्चे देखते हैं, बस ऐसे ही वीडियो देखा करो, प्यार दिया करो, कमेंट करो करो, अच्छा अच्छा सिक्स्थ में। तो गाइज अभी देखो हम आंटी के पास आए, काफी दिनों से कपड़े इनको दिए हुए हैं और वो लेने का भी टाइम नहीं है, एक और लेके आगे ड्रेस। आंटी जी अभी आप बताओ, आपके पास मतलब हमारी यूट्यूब फैमिली आ रही है ना, बहुत आ रही है। कहाँ कहाँ से आ रही है? फ्लावाला से भी आई, सेला आली है इधर से, ऊपर इधर सोलपुर वाला, इधर से भी आया। हाँ त्रोटी से, तो फ्लावाली बोल रही थी कि मैं खोर से सूट सिलवाती हूँ तो 500 सिलवाई देती हूँ सिंपल सूट के। गाइस देखो आपके लिए कितनी अच्छी जगह मैं लेके आया हूँ, एक तो आंटी से गप्पे मारो, मतलब इतना अच्छा नेचर है इनका। दूसरी बात, और सिलाई देखो, 500-700 लोग सिलाई लेते हैं यहाँ पे, 200 सिलाई सिंपल सूट की। और मतलब कौन देना चाह रहा 500, कोई भी नहीं बेचारी को इधर आती है मतलब सूट देने। 500 की सिलाई आप वहाँ दोगे ना, यहाँ 200 की, इतने में 500 से भी कम आपका वो लाइनिंग वाला, क्या बोलते हैं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं देखो 350 में लाइनिंग वाला भी। आज मैंने कहा मेरी लैस खरीदनी है सूट के लिए, तो फिर जैसे ही लैस वाली दुकान के पास पहुंचे ना, गोरा वो टिकन टिकन क्या खरीदनी है, हमने टिकन चलो थोड़ी बहुत ही नॉलेज रखनी पड़ती है, पता तो है बचपन से मम्मी बोलती है 10 रुपए जा टिकन ले आना, लड़की लिया मैचिंग करिए ले आना। तो दो उस टाइम एक मतलब मेरे को लगता है 2 रुपए की थी, अब तो 4 रुपए की होगी ना, 10 रुपए की अभी। तो गाइस देखो 10 रुपए नलकी लेनी है, अगर तुम भी कारीगर हो तो उस भी टेलर मास्टर बनियो, आंटी को सीख लो जिन्हें सीखना, कोचिंग ले लो। तो मैं कहा कोई महीना एक लाई है तो कम से कम लोगों के नहीं, कम से अपने अभी गोरा के जैसे एग्जाम खत्म होंगे तो आंटी के पास छोड़ना गोरा को। एक बात है, सारे 200 सुराई नहीं ले रहे हैं,
आंटी बड़ी ज्यादा लेते हैं, ये तो हमारा प्यार है भाई। आंटी को बोला हमने कम पैसे देने हैं भाई, ऐसे आंटी भी ज्यादा लेगी, लेकिन हमने बोला हमारी जो फैमिली है कम लेने पैसे। आंटी बोलती कोई बात नहीं, पैसे भी कम, स्याही भी अच्छी, नहीं गोरा से लेने। तो गाइस अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जब यहाँ आते ना ऐसे आंटी हमें फोन करके बोल रही थी कब आना आपने, और हमारा खुद इतना मन था इतने दिन आने का यहाँ पे, पर हमारे पास टाइम नहीं होता। आंटी को हमने पूरी बात बताई है, झूठे हम है नहीं, पर एक ही सच बोल रहे हैं। सूट देखो गाड़ी में, हमने दो दिन से गाड़ी में पड़ा था, तो आज हम लेके आ गए, चलो मिल लेते हैं। यहाँ सूट का बहाना नहीं है, बस इनको ऐसे मिलने आना, दिल खुश हो जाता है बंदे का ना, खून बढ़ जाता है इधर आके, सही बात है। तो चलो अभी हम इनको सियाही बोल रहा हूँ, वो सूट साड़ का थोड़ा समझा देते हैं, बाकी आप इधर आओ खुले सूट से आओ, कोई टेंशन नहीं है। 500 में आप एक सूट से आ रहे हो, यहाँ मैं बोलता हूँ 500 में 100 रुपए और डालो, 3 सूट बन जाएंगे भाई, कुछ नहीं है, बस मजे से आओ, टेंशन कोई नहीं है। तो टाइम हो गया जाने का, ये देखो हमने तो इधर रौनक लगा दी है, खुश हो गए अभी, वीडियो देखना अभी, ठीक है, ओके। पता नहीं क्या ढूंढ रहा है घास में, और इधर अंजू ने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, अभी हम जा रहे हैं। ये कितना टाइम लगाते हैं ना ये, इनकी बातें ही नहीं खत्म होती हैं, आपकी बातें खत्म नहीं होती। ओ भाई आपको नहीं पता, जब हम अपनी फैमिली में आए होते हैं ना, फिर मन कम ही करता जाने का। हाँ इनका घर जाने का मन कम ही करता है ना। ऐसी कोई बात नहीं है गाइस, अभी आंटी के पास आए, गोरा ने पूरा ड्रेस ड्रुस दे दिया, कैसा बनाना है वो सब बता दिया, टाइम तो लगता है थोड़ा, और हम इतने दिनों के बाद आते हैं तो फिर 10-15 मिनट बैठना पड़ता है ना। अभी आंटी इतना कुछ बोल रही थी कुछ खा के जाना है, अभी हमने मतलब माने नहीं तो वो बोल रहे हैं आप हमेशा आते हो कुछ खाते नहीं हो। मैं आंटी आपका ऐसे इतना प्यार आप देते हो तो इतना ही बहुत। घर चलो, गाड़ी टर्न करते हो बच्चे, इधर से तो चल जाएंगे हम। नहीं खाना गोलगप्पे आपने? मुझे नहीं खाना। चलो फिर घर चलते सीधे, चलो सोच लो गुमोटो। नहीं मन कर रहा है। देख लो गाइस आपका मन कर रहा है। नहीं मेरा, मेरे को भूख नहीं है, सच बता रहा हूँ, मैंने रोटी रात दोपहर को ज्यादा ही खा लिया आज। गाइस इतना जबरदस्त रोटी बनी थी ना, दाल चावल अम्बल, पूरा ऐसे सकले वाला टेस्ट था आज। और गोरा ने जो अम्बल बनाया ना गाइस, अभी भी सोच के ना ऐसे पानी आ रहा है। अपने भाई के पास वीडियो बना भैया। राम राम। राम राम। अच्छा किन की वीडियो बनानी है? ये दोनों लड़के बनवा बन रहे हैं। कहाँ जा रही है? ज्यादा बनवास है गाइस। इधर देखो जल्दी फटाफट, और हम आगे गोलगप्पे खाने, आपको पता है 20 रुपए। आपने भैया के साथ आए, मैचिंग कर ली गाइस। अभी आपको इसी के बारे में बताने वाला था गाइस, ये टी शर्ट जो है ना, ये टी शर्ट जो है गिरना मत, ये जो टी शर्ट है ना गाइस, ये टी शर्ट है अभी पापा ने लाई पटियाला से, जब वो पटियाला गिरे थे, ठीक है। अब बाई चांस से ये कलर मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये येलो नहीं है, इसे बोलते हैं मस्टर्ड कलर, है ना। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, एक दिन पापा ने देखा पहने हुए, मैंने यार कलर कहाँ से लाई, बहुत यूनिक कलर है, मैंने काफ़ी सर्च किया मिला नहीं, तो जब देखा ना मैंने बोला ये तो मेरे साइज़ की है। पापा ने लानी थी ट्रिपल एक्सल, तो डबल एक्सल भी उनको आ जाती, पर ये थी एक्सल जो मेरे साइज़ की थी। मेरे को तो बोलते ऐसा लगा कि बोनस मिल गया, पापा बोलते नहीं डबल एक्सल है, मैंने साइज देखो, जब देखा उधर नहीं देखना बच्चे, उधर नहीं देखना, जब भी देखना इधर देखना। चलो भैया भैया दो भैया डिस्पोजल में देना। भाभी ठीक है? पहले बताओ भाभी ठीक है? ठीक है भैया, खिला दो फटाफट यार एक और। गाइस अभी आपका भाई एक के भी खोलेगा, नहीं मैं कुछ बोल रहा था, मेरे खेला मेला। गाइस अभी लड़कियों का लगेगा मेला, क्योंकि आपका भाई खोल रहा है एक के गोलगप्पे वाला ठेला। तो गाइस अभी मैंने भैया से बात की है, तो हम तो यहाँ साजन वाले जो मतलब पेट्रोल पंप पे, एक दो और भी आगे पीछे, बट हम पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं। पेट्रोल पंप के स्टेट बैंक के सामने जो ठेला लगता है, यहीं पे मेला भी लगता है, और हम भैया के पास स्पेशल आते हैं। इनको बोला मैंने, जो भाई वीडियो देख के आएगा, जो भी लड़कियाँ जो लड़के जो भाई बंधु हमारे वीडियो देख के आएंगे, उनको भैया डिस्काउंट मिलेगा। भाई पक्का? पक्का देंगे भाई, पक्का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट इन द सेंस कि आपको 2-3 गोलगप्पे फ्री मिलेंगे भैया। मिलेंगे जो भी बंदा गोलगप्पे खाएगा। अब ऐसा नहीं आप खाओगे 3 गोलगप्पे 4 गोलगप्पे तो फ्री क्या देंगे, कम से कम 40-50 रुपए के जब गोलगप्पे खाओगे भैया फ्री देना, ठीक है भाई। पक्की छूट डिस्काउंट आपको भाई पक्का। भैया बाकी छोड़ो, आप पेस्ट कौन सी करते हो यार, बड़े वाइट है आपके दांत। टूथपेस्ट कौन सी करते हो आप?
इसका राज नहीं बताना भाई। तो गाइस गोलगप्पे भैया के जबरदस्त मजा आता है यार इनके पास। हम तो यहीं पे आते हैं खाने। एक तो यहाँ पे साफ सफाई देख लो, मतलब बड़े अच्छे से भैया सर्व करते हैं प्यार से, और साफ सफाई भी अच्छी है, तो हम तभी यहाँ पे आते हैं, वरना और भी है पर हम आते भैया के पास है। हम यहाँ पे खाने आते हैं जोड़ियों के सबसे बेस्ट, और भी ट्राई करें। और अभी लास्ट में हम खाते हैं क्या भैया? सूखी सूखी पापड़ी। सूखी पापड़ी वो हमें बोनस मिलता है भाई। चलो भैया खिला दो, तो मजा आ जाता है यार उधर के। हफ्ते 10 दिन में एक बार। भैया कब आते हो आप सुबह यहाँ पे? सुबह 2 बजे। सुबह 2 बजे? सुबह क्या, वो दोपहर के 2 बजे? दोपहर को 2 बजे और रात को 10 बजे तक, और रात को 10 बजे तक। और भैया जो है उनके साथ बड़ा हमारा मेल मिलाप है, तो हम तभी भैया के पास आते हैं, और भैया भी बड़े प्यार से हमें 5-7 6-7 सालों से जब से ये जोड़ियां में आए ना भैया, तब से खा रहा हूँ। जब से ये जोड़ियां में आए हैं, पहले मेरी शॉप जब मार्केट में होती थी, और गाइस मैं जब 10th में पढ़ती थी मैं तब से खा रही हूँ। तो जब इनकी शॉप मतलब मार्केट में होती थी, मेरी शॉप मार्केट में होती थी, ये सबसे पहले मेरी दुकान के आगे में ठेला लगवाता था कम से 1 घंटा वहाँ पे, फिर मैं खाना, फिर वहाँ से इनको जाने देना, मैं तो जाने नहीं देता था। मैं बोला जब भी जाना पहले इधर रेडी रोको। तो अभी आपका भाई भी लगाएगा ठेला, अब लगेगा लोगों का मेला। तो गाइस अभी खाएगा आपका भाई पापड़ी। तो गाइस अभी हम आ गए हैं और गोलगप्पे खाए, उसके बाद सब्जी वगैरह ली, एंड उसके बाद आगे हम घर। तो ये था हमारा छोटा सा ट्रिप। घर से जब बाहर जाओ ना टाइम को पता नहीं चलता, और आउटिंग हो जाती है तो अच्छा लगता है। फोटो खुश अब मोटो बोर हो जाती है जब थोड़े दिन लग रही है। चलो अभी लाइट है ना, हाँ तो बस इसमें बैठो थोड़ी देर।